मधु विहार में धूमधाम से मनाया गया आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। गौरतलब है कि द्वारका सेक्टर 3 स्थित मधु विहार में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मधु विहार RWA के प्रधान एवं राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह सोलंकी ने मधु विहार बस स्टैंड स्थित फल एवं सब्जी मंडी परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी समेत पालम इलाके के 25 फेडरेशन कॉलोनियों के प्रधान मार्केट के प्रधान समेत क्षेत्र की जनता मौजूद रही। इस मौके पर रणवीर सिंह सोलंकी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद लोग भय भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज जब हम स्वतंत्र हैं, भ्रष्टाचार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिससे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम सभी को मिलकर मधु विहार को भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इस पर अंकुश लगाना है, तभी हम विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। इस दौरान उपस्थिति प्रधानों ने प्रण लिया कि इलाके को भय मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि देश को आजादी जहां स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है, वहीं पालम गांव का भी बड़ा सहयोग रहा है। इस अवसर पर राकेश कुमार, अशोक कुमार अग्रवाल, हरीश चंद्र राय प्रधान, ओम प्रकाश अत्री, सुरेश हुड्डा, जगदीश नैनवाल, अन्नपूर्णा राजा, प्रमोद गोयल प्रधान, तरसेम अग्रवाल प्रधान, RK शर्मा प्रधान, कृत पाल प्रधान, BL शर्मा प्रधान, महेश शर्मा, सुरेश गल्याण, शक्ति वैष्णोई, सुशील तोमर के अलावा कई प्रधान और भी मौजूद रहे। GNN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश की आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और पूरा देश जो है मना रहा है, और सबसे पहले हम अपने जितने स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हमें देश में आजादी मिली उनको नमन करते हैं। और विशेष तौर पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे RWA के अध्यक्ष रणबीर सोलंकी जी हैं और तमाम जितने भी कॉलोनी के प्रधान हैं, और ये मधु विहार जो है पालम गांव की जमीन में बसी हुई कॉलोनी है। पालम गांव का एक ऐतिहासिक गांव है, एक इतिहास रहा है कि जिस लाल किले से, प्राचीन लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, उसकी नींव भी पालम गांव के बुजुर्गों ने रखी थी। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक, और साथ में हमारे पूर्वांचल के, उत्तराखंड के जितने भी भाई हैं, आपसी प्यार प्रेम और एक सौहार्द का एक परिचय देते हैं, और यही हमारे देश की जो है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें ये आजादी बहुत लोगों की शहादत के बाद मिली है, और हमें अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रताओं को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनका अनादर करें। जिस तरीके से हमें स्वतंत्रता मिली है कि कहीं भी हम जाके घूम सकें, कहीं भी आ जा सकें और आज़ादी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन उन आज़ादियों को हमें अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए। हमें अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपनी गलियों को साफ रखना चाहिए। हमें हर सरकार के नियम, जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। और अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अगर हमारे हक के को अनादर कर रहा है, हमारी चीज़ को पूरा नहीं कर रहा, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये आजादी हमें बहुत ही लोगों की शहादत के बाद मिली है। पुनः सबको आजादी की बहुत। अरे आज जो 15 अगस्त है, मधु विहार वार्ड के अंदर हर साल की भांति मनाया जाता है। सबसे खुशी की बात, आज 15 अगस्त जो 75वां जो दिवस जो मनाया जा रहा है, हमारी सभी वार्ड के प्रधान जी मौजूद है, ओम प्रकाश अत्री जी, प्रीतपाल जी, तरसे मगरवाल जी, RK शर्मा भरत विहार से। भाई मैं सारी मधु विहार वार्ड का 360 गांव के चौधरी, हमारे बीच में सुरेंद्र सोलंकी युवा है, और हमें भी इनसे भी बहुत बड़ी एक उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूं भाई, आज कॉलोनी के प्रधान होने के नाते 15 अगस्त के दिन, 75वें के दिन, आज मधु विहार वार्ड के अंदर एक आवाज हम उठाते, देश की आजादी जो हुई थी मधु विहार वार्ड के अंदर, भय और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे पूरी जनता के सहयोग के साथ, सभी कॉलोनियों के प्रधानों के साथ मिलके हमने एक आवाज उठानी है। वो कोई भी क्षेत्र का, किसी भी पार्टी का अगर लेता है, अगर यहाँ पर भय फैलाएगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा, हम अत्याचार सह नहीं करेंगे। आज की हमारी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यही प्रण हमें
लिया सभी आरडब्ल्यू के उसमें। आज के दौरान में या तो किसान फांसी खा रहा है और या बिल्डर भी फांसी खा रहा है। हमारे को बिल्डर के कोई मेरे काम नहीं है।